गाइस ये है देवनार का मेन गेट जो कि 4 नंबर गेट है। स्टेशन से करीब में आता है देवनार एपिटर, ठीक है, कसाई खाना है, मतलब यानी देवनार कसाई खाना। तो मेन जो है यही गेट है जो मतलब नॉर्मल डे में यूज़ होता है और आगे हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डैडीज ब्लॉग। सो गाइस आज है फ्राइडे एंड फ्राइडे के दिन की अपडेट दूंगा क्या चीज़ आई है, अंदर चलकर देखेंगे। शूट के रिगार्डिंग कुछ भी हो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज जो कि मतलब 2 व्लॉग बनेंगे, एक तो जो कि नॉर्मली मंडी जो माल आता है गल की मंडी का वो, और सेकंड व्लॉग के अंदर पूरी के पूरी तैयारी बताऊंगा, एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो व्लॉग पूरा देखें, तो चलते आगे व्लॉग स्टार्ट करेंगे। सो गाइज आप लोगों ने स्टार्टिंग जो कि देख चुके हैं, ठीक है। स्टार्टिंग जो है तो देवनार के अंदर आने की मैं पोजीशन बता चुका हूँ कि कैसा मतलब क्या आना है, ठीक है। गेट मेन जो है सामने ही दिख जाएगा स्टेशन के बाद, उसके बाद में जो कि मतलब तैयारी हुई है। तो ये गटर का हिस्सा था जो कि मतलब इन्हीं कुर्बानी में लास्ट ईयर काफ़ी तकलीफ आई थी, गंदगी हो गई थी इस समय, तो ये बार अच्छा मतलब मेनटेन करें। और तैयारी जो कि है तो ये हिस्सा जो रहेगा ये पहाड़ों का भैंसों का रहेगा, ठीक है, पहाड़ों का और भैंसों का हिस्सा रहेगा ये। इसके बाद में आगे की जो तैयारी है तो वो भी दिखाते हैं। किरेन से काम चालू, यहाँ पे जेसीबी खड़ी हुई है, ठीक है, तो चलते आगे। अभी देखो भैंस लेके जा रहे, ठीक है। इनकी मतलब इनकी भी क्या कैसा रहेगा पता है, कुर्बानी के टाइम पे एक वीडियो इनकी आएगी, 2 टाइम की वीडियो जो कि मतलब इन्हीं बकरों की आएगी, तो ये भी बताऊँगा मैं क्या क्या इनके इसमें मतलब इन ये रेट लगता है इसके अंदर भी। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपने सब्सक्राइबर जो रहेंगे उनको सस्ते से सस्ते में दिलाने की, ठीक है। आप लोग बार्जिनिंग करना, जो रेट समझ में आएगा वही रेट दे के लेके जाना, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में ये बकरे यहाँ पे, चलते आगे। सो गाइज ये जो कि मतलब अभी स्टार्ट है, ठीक है, S6 का 10 नंबर वाड़े के बाहर मतलब कुछ जानवर है जो कि S4 के 8 नंबर में जाएंगे, क्योंकि ये लोग मतलब वही है जो कि कोटा वोटा का माल लाते हैं। और है फीमेल आई हुई है कोटा के अंदर, ज़्यादातर फीमेल दिख रही है, फीड दे रहे, फीड के अंदर मकई है, गवार है, और मकई और गवार ही है, कई कई हरी पत्ती मिक्स है, ठीक है। बच्चा देखो माशाल्लाह गुजरी के अंदर क्या बच्चा आया हुआ है, चीज़ें एक से एक है, ठीक है। और जो कि मतलब एवरेज रेट रहता है इन लोग मतलब आज के दिन के मंडी में कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, तो छोड़ते। इसे मैंने मतलब पूछा, मैं बोला अंदाज़ा अभी भाई पानी पिलाने के लिए लाए थे, तो अंदाज़ा उनको मैंने पूछा भाई तुमको वेट पता रहेगा इसका कितना रहेगा, 260। देखो मतलब इन्हें 250 किलो के ऊपर है, 260 किलो की पहाड़ी है ये, ठीक है, पहाड़ी है 260 किलो की, माशाल्लाह क्या है यार, लेकिन गोल मडोल है। और रेट जो है 55 से 60 हज़ार पे इन्होंने बताया, ठीक है, तो अभी ये देख लिए, इसके बाद चलते। वालेकुम सलाम, कंटिन्यू रहो। आमीन आमीन। पहाड़ी है भाई, पाड़ी जी, तो ये देखो जा रही है, ठीक है, तो देखते हो। और गाइस वाड़े के अंदर जाने के लिए कुछ बकरे आ चुके हैं, ठीक है। ये देखो पहाड़ी आई है फीमेल, बकरा देखो अलग ही जा रहा है, माशाल्लाह क्या अजमेरा आया यार, गुजरी के अंदर अजमेर है, ठीक है। और भी बच्चे, उसको ऊपर डाल, और भी बच्चे, ये देखो सब माल आया है, अभी चलते आगे देखेंगे। वाड़ा है S5 का 7 नंबर गाला के अंदर, मतलब यानी बकरे आए हुए, बकरे देख लो आप लोग क्या है, तो माशाल्लाह मक्की शीना के अंदर भी बच्चे है, कोटा कान में आए हुए, ठीक है। ये देखो रेट जो है तो मुश्किल है, आज मिल नहीं पाएगा क्योंकि ये लोग भी मतलब माल छोड़ के आगे यहाँ वहाँ गए, माशाल्लाह कोटा में भी एक बच्चा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ आई हुई है, तो फिलहाल में रेट नहीं मिल पाएगा। जानवर सिर्फ आज देखने के लिए, और जो मेन मंडी के, ये देखो सामने देखो क्या चीज़ें आई हुई है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ आई हुई है। और तैयारी की वीडियो के लिए भी मतलब साथ ही में कवर कर रहा हूँ मैं, वो अलग बना रहा हूँ, ये अलग बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पर इतनी चीज़ें हैं, ये कहाँ जाएगी वाड़े में इसका कंफर्म नहीं रहता है, सामने वाले वाड़े का मेरे को चीज़ें पता है, यहाँ की कुछ नहीं इतना पता है क्योंकि यहाँ पर बहुत कम मतलब जानवर आते हैं। और ये यहाँ पर ऐसा रहता है ना कि मतलब आते भी क्यों, बाद में डिवाइड हो जाते हैं हर एक अलग अलग वाड़ों के अंदर, ठीक है। धक्का गेट के पास में कुछ बकरे भाई लेके खड़े, अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई आपका नाम? अशोक पटेल। अशोक पटेल, असवद, सॉरी भाई माफ़ करना। तो भाई ने कुछ बकरे लिए जो कि 2 बकरे खस्सी है, खस्सी बकरे, माशाल्लाह भाई कितने में लिए दोनों? 33 में जोड़ी, माशाल्लाह अच्छी चीज़ मिली है, खस्सी बकरे 33 में जोड़ी है। बॉडी वेट जो है तो
लगभग लगभग मतलब यानी ये जो है पहले जो खड़ा है दो दांत का बच्चा दिख रहा है और हाइट जो है 35 की है भाई। ये बकरे मतलब कब आप जुबा करोगे इनको? कल करेंगे ना, ठीक है। तो माशाल्लाह चीज़ अच्छी है और काफ़ी अच्छे चीज़ है। 38 में लिए, बॉडी वेट जो है 35, बॉडी वेट जो है 35 से 38 आएगा। 40 केजी का वो बच्चा आएगा, उसकी हाइट जो है तो 37 तक की आएगी। 35 का है वो, 37 की है। चीज़ अच्छी है, शुक्रिया भाई। भाई बकरा देखो क्या जा रहा है, तो माशाल्लाह पूरा के पूरा गुलाबी बकरा यार, एक नंबर दिख रहा है वो। कलर उसका जो कि मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। गंदा है बकरा थोड़ा, बाकी चीज़ बहुत खतरनाक चीज़ है। तो ये देखो तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अंदर आने वाले हर एक बकरों को, ठीक है, इस तरीके की मतलब निशानी भी मारी जाती है। तो उनके हाथ में देख लो कलर का डब्बा है, सब अपनी अपनी अलग अलग एक पहचान दिखाते हैं मतलब बकरों के लिए, कि मतलब जिसके बकरे रह गए, कोई पिंक कलर मारेगा, कोई ग्रीन मारेगा, सबकी अलग अलग पहचान। कोई बाल काटता है या फिर कोई मतलब रिबिन पहनाता है, सबकी अलग अलग निशानी होती है, ठीक है। अपनी अपनी निशानी रखते हैं क्योंकि एक मिनट, क्योंकि मतलब यानी यहाँ पे ऐसा होता है कि लाख दो लाख बकरे आते हैं, उनमें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये वजह से कलर मार के निशानी लगाते हैं, ठीक है। ये जो है बकरे, ठीक है, यहाँ पर भी देखो एक गेट था, फिलहाल में बंद है। ये गेट बता चुका हूँ, पीछे आप लोगों को कैंटीन है, ठीक है। तो ये भी देख लो, कुछ बकरे हैं यहाँ, बकरे देख लो। रेट जो है तो मुश्किल है मिलना, बाकी बकरे पूरे नहा धो के एकदम गुलाबी बकरे हो चुके भाई। आगे मत जाओ, बकरे सब भाग जाएंगे। तो पूरे के पूरे गुलाबी बकरे हैं यहाँ पे। और वाड़ा बता दूँ, S4 के 10 नंबर के पीछे ही है, ठीक है। पीछे का जो कि स्पेस था, ये वहाँ पर बकरे सब बंधे हुए। तो ये जो है मटेरियल आ चुका है जो कि काम के लिए था। पत्र के जो मतलब यानी जो शेड यहाँ पे वाड़े बने हुए, ये सब इसके ऊपर के पत्रे चेंज हो चुके, कलर भी हो चुका है और लाइटें जो थी वो भी लग चुकी है, ठीक है। काम मतलब बहुत फास्ट में हो रहा है। आगे चलो, कुछ और भी दिखाता हूँ, ज़्यादा कुछ मत होना। बाकी ये चीज़ देख के मतलब खुशी होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत मतलब यानी साल में कुछ टाइम के लिए ही खुलता ही है, तो ये चीज़ देख के खुशी होती है। यहाँ देखो शेड का काम भी अच्छा खासा हो चुका है, ठीक है, शेड भी अच्छी खासी बन चुकी है। और अब चले गए सामने, देखो कुछ चमकता हुआ दिख रहेगा, कुछ चमकता हुआ दिख रहेगा सामने। तो ये है काउंटिंग बोर्ड, ठीक है, काउंटिंग बोर्ड जो कि चालू हो चुका है अभी फ़िलहाल में। काउंटिंग बोर्ड चालू है क्योंकि ये मतलब चेक करने के लिए चालू करे, कुछ उसमें प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये कुछ टाइम पहले ही चालू होता है, लेकिन ये बार थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर दिए क्योंकि बारिश अभी आई नहीं है, ठीक है। बारिश आएगी तो ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, तो ये वजह से ब्लॉग में पूरा देखो एक एक चीज़ मैं बताऊँगा। मैं मतलब काफ़ी दिन से मतलब हर एक चीज़ के बारे में सोच के रखा था और मतलब यानी यही देख रहा था कि क्या क्या चीज़ें है यहाँ पर, क्या क्या चीज़ें नहीं है, एक एक इन्फॉर्मेशन दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी फ़िलहाल काउंटिंग बोर्ड देख लो। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत? क्या बोलते हैं? सो गाइस, काउंटिंग बोर्ड फ़िलहाल में चेकिंग के लिए चालू हुआ है, ठीक है। कुछ वजह नहीं है, सिर्फ चेकिंग के लिए चालू हुआ है अभी। तो बाद में मतलब इन्हें अभी इस पर कुछ भी अपडेट नहीं है। और देख लो चेकिंग करते हैं तो कुछ नंबर के वैसे, एक मिनट, बकरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपका नाम? मेरा नाम तंजील खान है। तंजील भाई, अपने चैनल का नाम? चैनल का नाम टेडीज ब्लॉग है। तो भाई सबसे ये सब चीज तो छोड़, जो दो देवनार साफ दिख रहा है, खाली दिख रहा है, वो सब चीज छोड़ दो। जी जी, जब ये इंडिकेटर पे नजर पड़ी तो वही खुशी होती है। हम लोग सब चीज छोड़ के मैं वही मतलब ऑडियंस को बोलते हुए आ रहा था कि मतलब ये एक अलग ही खुशी होती है। हालांकि कुछ है नहीं इसके ऊपर, पूरा ब्लैंक है अभी, फिर भी अलग ही मतलब एक जुनून रहता है कि नहीं क्या काउंटिंग बोर्ड चालू हो चुका है, ऐसा कुछ रहता है। तो ये वैसे सबसे पहले मैं कुछ सब चीज छोड़ के काउंटिंग बोर्ड ही दिखाने आ गया। भी एंट्री हुई, मैंने देखा कि दो लोग ना सीढ़ी लगा के काम चालू था उसका। हाँ, और जैसे उनका काम खत्म हुआ तो माशाल्लाह एक अपनी एक अलग खुशी थी। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग का नाम भाई? नाम परन भाई, कहाँ के रहने वाले हो? अननोन ब्लॉगर ना भाई, अननोन ब्लॉगर। उनके साथ ही है तो मजा आएगा भी, देवनार का सीजन और इस टाइम तो स्कूल की भी छुट्टी है, तो पूरे 10 दिन मजे लेना
अभी मंडी लगी नहीं है, रीजन ये काम नहीं है भाई, ये जो खुशबू जो अरोमा है ना भाई, यहाँ के भाई एक एक बाम्बू एक एक एंगल, और जब ऐसा लाइट चलता है ना तो भाई वो अलग एक मजा होता है। तो गाइस काम जो के है ठीक है, अब काम जो के है तो साफ सफाई देख लो आप लोग, अभी पूरी तरीके से मेंटेन होगा ये। अब जो पाँच दिन आने वाले जो पाँच दिन है उसके अंदर बहुत मतलब तरीके से मेंटेन होगा ये सब वाड़ियों के अंदर। जो कि लाइटें थी ख़राब थी ठीक है, मेरी लास्ट वीडियो में भी आप लोग देख लेना जो कि शाम की थी, तो जी भाई कर रही हूँ। तो जो कि मतलब इन मेरी मतलब रात की वीडियो आती थी तो उसमें मतलब इन काफ़ी अंधेरा दिखता था ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में अब इसका जो कि मतलब लाइट का काम चालू होएगा, फिर उसके बाद में वाड़े जो है तो स्टार्ट टू एंड पूरा मतलब एंड तक का ख़त्म होते। तो इतनी जिसके ज़्यादा जानवर रहे कि उनको मतलब मिल जाता है, बाकी ऐसा लोग बीच में पार्टीशन डाल दे ठीक है। तो वाड़े जो है तो कितने वाड़े हैं, कितने गाले, एक गाले एक वाड़े के एक गाले के अंदर आठ वाड़े होते ठीक है। और ऐसा करके स्टार्टिंग वहाँ से होती है S1, जी भाई S1 से स्टार्ट होती है और S5 पे ख़त्म होती है। टेडी लॉक आए नहीं आए वो सब एक अलग चीज़ है, पूरे बाड़े खाली पड़े हैं वो भी एक अलग चीज़ है, मगर ये जो खुशी है ना झंडी के तरफ दिखाएं। और उसके बाद में अब जा रहे हैं भाई लास्ट में टेंट की तरफ भाई, जो बड़ा वाला डोम लगता है ना जिसे हम डोम कहते हैं, ग्राउंड में जो तैयारी होती है। एक तो है ये पक्के बाड़े भाई, और देवनार की जो ये साल के 12 महीने मिलेंगे भाई, ये वाली चीज़ खाली थी भाई, नहीं मगर इतने पत्ते नहीं दिख रहे, इतने नहीं है आज, क्वांटिटी अब बढ़ती जाएगी ना, कैसे अब क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। अरे नहीं भाई अपन साल के 12 महीने वाले बस मेहनत करते रहो इंशाल्लाह। तो गाइस जो के शेट्टी 1 2 फिर उसके बाद में 3 वहाँ की तो मतलब पूरी पूरी हो गई है, 4 5 6 7 शेड मतलब है नहीं, एक लाइन की पूरी कंप्लीट हो गई है। और एक साइड देखो शेड अभी पड़ रही है, तो क्या तरीका रहता है देख लो। अच्छी खासी जो के मतलब तैयारी यहाँ पर हो चुकी है ठीक है, अच्छी खासी तैयारी हो चुकी है जो के मतलब यानी ज़मीन है, ज़मीन को भी लेवल कर दिए, आड़ी टेढ़ी रहती थी। हालांकि यहाँ पे मतलब जो के इज्तिमा होता था तो इज्तिमे की वजह से वो लोगों ने भी काफ़ी मेंटेन करे, बड़े बड़े जो पत्थर है आप लोगों को साइड में मिलेंगे ठीक है, बड़े जो के पत्थर थे वो सब साइड में, और जो के मतलब यानी हर एक जगह को प्लेन कर दिए, ऊपर इसके मतलब प्लास्टिक लग चुकी है, बरसात का इंतज़ाम है, बाकी ये सब जो काम था ये पहले से ही है ठीक है। तो अब जो के ये जगह है अब लग रहा है ऐसा कि कुछ मतलब इन्हें अच्छा होने वाला है ठीक है। और मैं गेट की बात बता दूं तो देवनार में टोटली 6 से 7 गेट है, लेकिन जो वर्किंग गेट है वो 2 गेट होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्हें मेन गेट माने जाते हैं। एक जो मैं दिखा चुका हूँ स्टार्टिंग में गेट नंबर 4, उसके बाद में एक गेट जो कि धक्का गेट है, यहाँ पर भी एंड में आने के बाद में एक गेट दिखेगा, ये गेट जो कि मतलब इन BMC कंपाउंड जो है गवंडी के अंदर, BMC कंपाउंड जो है तो वहाँ पर ये आता है ठीक है। यही मतलब है नहीं वो गेट है, आप लोग लेके जाने के लिए बकरा यहाँ से ले जा सकते हैं, लेकिन वो गेट से बकरा अंदर नहीं आएगा ठीक है, बकरे कोई भी गेट से अंदर नहीं आएंगे सिवाय धक्का गेट को छोड़ के, वो गेट के अलावा कोई भी गेट से आप लोगों को कोई भी बोले तो मतलब भरोसा मत करना, क्योंकि कोई गेट से आप बकरा ला ही नहीं सकते। ले जाने के टाइम पर कुर्बानी अगर रही तो कुर्बानी के टाइम पर जो अभी सीज़न आ रहा है सीज़न में आप कोई भी गेट से बकरा ले जा सकते, और ऐसे जो नॉर्मली दिन की मंडी चलती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ धक्का गेट से ही ले जाना पड़ेगा ठीक है। तो फिलहाल में यहाँ की जो कि अपडेट थी तो इतना काम हो चुका है और काम काफ़ी तेज़ी में हो रहा है ठीक है। लास्ट वीडियो मैंने कब बनाया, मतलब मंडी की वीडियो है ठीक है, ट्यूसडे के दिन की अपडेट थी, और ट्यूसडे के दिन की अपडेट में हम लोगों ने दिखाए थे 4 मतलब कुछ शेड पड़ी थी, अभी पूरा एंड तक का ये लोग ने मतलब नहीं कवर कर चुके ठीक है। और जो स्टार्टिंग के यहाँ के पट्टे रहेंगे ये बकरों के लिए रहेंगे, उसके पीछे जो रहेंगे तो पाड़ों और भैंसों के लिए रहेंगे ठीक है। तो इतना काम अभी फ़िलहाल में हुआ है, और भी होगा और भी चीज़ें जिसका मतलब बंदोबस्त यहाँ पे रहेगा। तो अभी चलते आगे देखेंगे और क्या आप लोगों को बता सकता हूँ ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी बताने के लिए, जैसे कि यहाँ पर कितनी मस्जिद है, कितनी क्या है, हर एक चीज़ बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल में आगे चलते।
अभी फिलहाल मैं अंदर नहीं जाऊंगा, ठीक है, मतलब कुछ दिन में दिखा दूंगा ये जगह भी पूरी क्लियर तरीके से। होता क्या है पता है क्या, मतलब फ़ोन यहाँ पे जब्त हो जाता है और पहली बात तो टाइम जाता है, कम से कम 3-4 घंटा खा जाते हैं, उसके बाद में फिर बाद में मतलब ही नहीं जाके फ़ोन मिलता है, लेटर लिख के दो, हर चीज़ करो, बहुत मतलब मज़बूत बंदोबस्त होता है यहाँ पे, अलाउड नहीं है, ठीक है। फ़ोन एक तरीके से चल भी जाएगा भाई, कैमरा लेके भूल से भी नहीं आना, भूल से भी नहीं आना देवनार के अंदर कैमरा लेके, नहीं तो बहुत बुरा अटकाते, ठीक है, बहुत बुरे तरीके से मतलब ही नहीं काम ही हो जाता है समझ जो, अच्छा खासा पूरा दिन खप जाएगा, कैमरा भी जमा हो जाएगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिलहाल आज मंडी थी, मंडी के अंदर का मतलब ही नहीं, ये सब माल आया हुआ है, ठीक है, ये सब देख लो, और पीछे गाड़ी उतरती है तो ये सब कैंटीन है, कैंटीन भी यहाँ पे मतलब ही नहीं काफ़ी है, एक ये है उसके बाजू में, सेकंड पे वो है, फिर पीछे के साइड में S4 के वाड़े में, और यहाँ पर तो रोड के साइड में नॉर्मली लगती है, ठीक है, स्टार्टिंग में गेट के पास मिलेगी। और मंडी मतलब नहीं सीज़न में आप लोगों को ये पूरे रास्ते के अंदर मतलब कैंटीन और हर एक चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो पैरेड एवेड सब आ चुके हैं, ये मेन स्टेज रहता है यहाँ पे, देखो काउंटिंग बोर्ड चालू हो गया है यहाँ पे, मतलब 400 बता रहे, ठीक है। तो क्या बोलते ये जो है, तो मेन ये मेन था, इसके बाद में आगे देखेंगे क्या है क्या नहीं है। ये मेन यहाँ पे मतलब पुलिस वाले बैठते हैं, डॉक्टरों का भी इंतज़ाम रहता है, हर एक चीज़ रहती है। और ये जो बताना था कि मतलब अंदर आने का कितना पैसा लगता है, तो ये आप लोगों को इंशाल्लाह कल की वीडियो के अंदर मतलब नहीं एक एक चीज़ बता दूंगा, जो अंदर लेके आता है वो बंदे को भी दिखा दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मतलब ये दलाल और जो के गवाल लोग रहते हैं उनके थ्रू ही बकरे अंदर आते हैं। आप लोग चाहेंगे ऐसा कि मैं जाऊँ और मेरा सिंगल बकरा मैं लेके आ जाऊँ, तो ये नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब टोटल ही काम दलाल और एजेंट के थ्रू होता है, उसके अलावा आप लोग नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा कि मतलब यानी सामने वाले से जो दलाल है उससे मिला दूंगा मैं, क्या करना है, एक बकरा रहे या 100 बकरे रहे, कितने भी रहे वो आप लोगों को अरेंज करके दे देगा, ठीक है। तो फिलहाल में यहाँ की अपडेट इतनी थी, और जो कि देखो पीछे वाड़ों का पहाड़ों का जो कि मतलब शेड बना हुआ था वो भी अच्छा खासा काम हो चुका है, ठीक है, वहाँ पर भी इंशाल्लाह जाता हूँ कवर करता हूँ। गाइस ये वो जगह थी जो कि मतलब यानी एक टाइम पे अलग रौनक हुआ करती थी यहाँ पे, ठीक है, बहुत मतलब अलग ही रहता था यार। देखो जो कैंटीन की मैं बात कर रहा था, एक कैंटीन यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी गेट जो है तो मतलब यानी आप लोग गवंडी स्टेशन के बाहर से थोड़ा चलने पे आपको 2 मिनट की वॉकिंग पे मिल जाएगा, कैंटीन यहाँ पर है आगे, ठीक है। यहाँ पर तो मतलब यानी भाई बिल्कुल मत जाना कैमरा ले कर या फ़ोन ले कर, बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मेरे साथ में हो चुका है, ठीक है। वहाँ पे तो मैं मतलब कैसा ना, वहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी था दे दिला के अपन वहाँ से निकल गए थे, लेकिन यहाँ पे जो था तो यहाँ से मेरे को रखे थे यहाँ पे 1.5 घंटा बिठाने के बाद में, फिर GM ऑफिस लेके गए थे, दोनों फ़ोन में से जो जो क्लिप थी एक एक वीडियो डिलीट कर दिए थे, यकीन मानो इतना नुकसान हुआ था वो टाइम पे कि मतलब यानी जितनी भी मेरी वीडियो थी एक्चुअली जो अच्छे अच्छे बकरे थे उनकी शॉर्ट्स बना के रखा हुआ था, फिर बाद में मतलब पूरा वो दिन की जो कि वीडियो थी सुबह से ले कर दोपहर तक का वो भी गई, और भी जो पेंडिंग की मतलब मैंने मेरी वीडियो थी बकरों की खुद की जो मेरे पर्सनल रखे हुए रहते थे उनकी भी वीडियो तक का मतलब पूरा फ़ोन फॉर्मेट मारने के बाद मिला था, ठीक है। तो भाई बिल्कुल मत जाना यहाँ पे, ये जो है तो ये मेन धक्का गेट है, मेन धक्का गेट यही है, धक्का गेट इसका नाम देखे देखे वो बकरों वाला धक्का गेट उसका नाम रखे, ठीक है, धक्का गेट असल जो था तो वो यही था, और यहीं से मतलब यानी जो पहाड़ों का और भैंसों का जो जानवर जो होते तो वो यहीं से एंटर आते हैं, ठीक है, वो यहाँ से ही आएंगे और वहीं से ही मतलब यानी यहाँ पे बाड़ों के अंदर जाते हैं। ये पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ये सब टोटली वो देखो वहाँ पे जो दो वाड़े हैं वो दो नहीं है एक्चुअली 4 वाड़े, वो S1 वहाँ से भी चालू होता है, S4 पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो वहाँ के वाड़ों के अंदर मतलब यानी भैंसे रहती है, और ये जो है यहाँ से, ठीक है, S1 है, तो S1 सॉरी वहाँ से ये स्टार्टिंग, वो S1 S4 अलग है, ये S1 से लेके यहाँ पे मतलब S6 तक का वाड़े होते तो ये अलग है, ठीक है। तो ये बकरों का है ये डिपार्टमेंट जो है, ये पहाड़ और भैंसों का है। एक टाइम पे ये सब रास्तों में मतलब बैले बंदी होती थी, वो टाइम पे बहुत अलग मज़ा आती थी, कुछ भी नहीं है अभी तो, मतलब मज़ा ही ख़त्म हो गई है, कितना ही बोलो उसके वो जानवरों के अंदर जो मतलब मज़ा था वो बकरों में और भैंसों में नहीं है, ठीक है। तो ये जो जगह थी आप लोगों को बता दिया कि यहाँ से ही मतलब यानी मेन गेट था, यहाँ से ही जानवर आते थे, धक्का गेट इसी को बोलते थे, बाद में उसका नाम रखे धक्का गेट। और कैंटीन आप लोगों को यहाँ पर 2 कैंटीन मिल जाएगी, ठीक है, ये 2 कैंटीन मतलब परमानेंट रहने वाली है, उसके बाद में जो के यहाँ पे और भी मतलब नहीं लगते जैसे कि खिचड़े वाला हो गया, पुलाव वाला हो गया,
और ये जो शेड बन रहा है ना, ये भी मतलब नहीं समझ जाओ कोने में, यहाँ पे तो मतलब पहाड़े वैसे रहेगी, उसके बाद में जो कोने का मतलब ये पट्टा है यहाँ पे मतलब नहीं आप लोगों को लाइन से मतलब पूरा खिचड़ा और कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो खाने पीने का पूरी तरीके से इंतज़ाम होता है भाई, मियाँ भाई गोश्त के बिगड़ मानते नहीं, तो यही बात रहती है। ठीक है, कुछ कोई कुछ छोड़ता नहीं है, कितना भी महंगा बिकने दो खा के जाते हैं यार, जाहिर सी बात है लाख लाख रुपए की शॉपिंग करने आते हैं, तो ये सब मतलब नहीं क्या देखेंगे 100-200 रुपए की एक चीज़ के लिए। तो ये थी धक्के की जो कि मैंने पूरी अपडेट दे दिया। ठीक है, आप लोगों को धक्के की पूरी अपडेट मिल गई है, अब चलते कुछ ना कुछ और दिखाएंगे। ठीक है, जो वाड़ों की मतलब है नहीं अभी तक का ट्यूबलाइट जो कि चेंज नहीं हुई है, तो वो अब हो रही है। ठीक है, ये देखो ट्यूबलाइट आ चुकी है, भाई लोग अंदर काम कर रहे हैं, ये देखो अब पूरा मतलब है नहीं वायरिंग का काम नहीं होएगा, ये हर साल होता है, ये साल की ऐसा कुछ नहीं है कि ये साल ही हो रहा है, हर साल नवी वायरिंग होती है, ट्यूबलाइट चेंज होती है, पूरा मतलब देवनार को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे एक आध ऐसा बकरा नहीं आता है, कम से कम 1.5-2 लाख बकरे आते हैं, सिर्फ बकरे 1.5-2 लाख आते हैं, पहाड़ों का जो कि है तो पहाड़ों का अलग से रहता है, पहाड़ों का जो कि एवरेज है 70 से 60 हज़ार पहाड़े आते हैं। ठीक है, तो अभी ये चीज़ है, अभी देखते हैं आगे चल करके। और गाइस ये जो है थोड़ा सी मैं मतलब उल्टा आ चुका हूँ। ठीक है, ये मतलब नहीं एंड में सबसे आखिरी में आप लोगों को जो कि मतलब नहीं मस्जिद मिलेगी, तो ये है देवनार की मस्जिद है। ठीक है, देवनार के अंदर टोटली 3 मस्जिद है, ये मस्जिद जो है तो S4 के 12 और 13 नंबर गाले के बीच में जो रास्ता आता है। ठीक है, देखो ये 13 नंबर गाला है और ये जो है ये 12 नंबर गाला है S4 का, तो ये बीच में से आप लोग रोड पे से आने के बाद में तो ये गाले के अंदर आपको यहाँ पे मतलब इन्हीं मस्जिद के लिए जगह मिल जाएगी, वजू का पूरा इंतज़ाम रहता है। ठीक है, अच्छी चीज़ है माशाल्लाह, मतलब इन्हीं लास्ट ईयर भी मैंने बताया था ये चीज़, और यहाँ पे मतलब नमाजें होती है और जो के व्यापारी आते हैं वो लोग रुकते भी उस रूम में। तो कैसा है, सबसे बड़ी पहली चीज़ तो ये कि मस्जिद अपना घर है, इबादत की जगह अल्लाह का घर है, तो यहाँ पे आते हैं ना कुछ मतलब नहीं ऐसा है कि देखे जाओ आपके 1 रुपये भी मतलब आप देंगे ना तो उससे क्या होगा, यहाँ पे मतलब नहीं अगर ये जगह ये जो लादी लगी हुई है इसके ऊपर चटाई डाल सकते हैं, या फिर पंखे कम है तो पंखे मतलब लगा सकते, जो लोग यहाँ पे आते हैं मैं देखता हूँ, देखो भाई यहाँ पे कैसा है व्यापार होता है ना, व्यापार के साथ में व्यापारी नमाज भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो लोग है ना मतलब इन उनके लिए थोड़ी फैसिलिटी कर दो, या तो कोई अल्लाह का बंदा ऐसा है जो 1 मैन शो कर सकता है तो वो भी आके मतलब इन्हें कर दो, अल्लाह ने जिसको ताकत दिया है वो कर सकता है भाई, तो एक चीज़ बोलूँगा कि यहाँ पे आके करना। ठीक है, भले ही आप लोगों के 1 रुपये भी रहेगा ना तो आप लोग देना यहाँ पे मस्जिद का काम करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मतलब हर टाइम मैं जब भी आता हूँ ना तो मेरे को खास करके मैं ये मतलब इन्हीं मस्जिद में मेरा मतलब एंट्री होती है, क्योंकि वाड़ों के बीच में और जोहर का टाइम हो जाता है तो मैं यहीं पर आके नमाज़ पढ़ता हूँ। तो ये देखो ये मस्जिद है, यहाँ पर भी पूरी नमाज़ें पढ़ी जाती है और यहाँ पर भी नमाज़ें पढ़ी जाती है, वहाँ पे जो है वो व्यापारियों के लिए जो कि दूर दूर से आते हैं उन लोगों के लिए इंतज़ाम रहता है, जमाती लोगों के लिए, और ये जो है तो वजू खाना है। ठीक है, तो ये मस्जिद थी, जो 3rd नंबर में मस्जिद आती है ये है, इसके बाद में मैं और भी बताऊंगा। ठीक है, ये वो कैंटीन है जहाँ पे आप लोग बैठ के आराम से खाना पीना हर चीज़ खा सकते हैं, और ये कैंटीन जो है तो मतलब इन्हीं साल के 12 महीने मिलेगी। ठीक है, हर टाइम रहती है, मतलब परमानेंटली है, टेम्पररी वाली नहीं है। और ये जो वाड़ा है S4 के 8 नंबर गाले के पीछे, S3 के 8 नंबर गाले के पीछे। ठीक है, तो कैंटीन देख लो बाहर से, ये भी मतलब मेन रोड से आप लोगों को आने पे मिल जाएगी, यहाँ पर भी एक गेट है लेकिन ये गेट खुलता नहीं है। ठीक है, तो ये गेट बंद ही रहता है, और कैंटीन का जो कि लुक है तो ये वो कैंटीन है, ये देखो ये है वो कैंटीन जहाँ पे आराम से बैठ के खाना पीना जो भी करना है आप लोग कर सकते। ये गेट हमेशा मतलब बंद ही रहता है, कभी आप लोगों को खुला नहीं मिलेगा, मंडी में भी नहीं खुला मिलेगा क्योंकि पीछे का एरिया है, कोई आता जाता नहीं है, ये रीज़न है। ठीक है, क्योंकि यही, और सेकंड रीज़न ये है कि यही लाइन में आगे आप जाएंगे आपको एक और एक गेट मिलेगा जो कि धक्का गेट बोलते, धक्का गेट का मैं मतलब थोड़ा वीडियो जो कि छोड़ रहा हूँ क्योंकि भाई अभी मतलब कैसा बहुत परेशानी हो जाएगी, कभी गलती से भी मेरे को पकड़ लिया ना काफ़ी तकलीफ़ में आ जाऊँगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, वो पूरी वीडियो वो लोग डिलीट करवा देते, फिर उसके बाद में जो कि सब मतलब इन्हीं ना सभी चीज़ डिलीट करवा देंगे। तो चलते हैं अभी, गाइस वाड़ा है S2 का 8 नंबर। ठीक है, और यहाँ से S3 का वाड़ा है 8 नंबर, ये भी पड़ेगा।
तो एक वाड़े के अंदर मतलब इन्होंने बताया कि टोटल मतलब 8 शेड रहते, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर पीछे से मतलब 9 से लेके ऐसा रिवर्स जाएगा 16 तक का, 8 8 16 होते हैं टोटल। और यहाँ पर जो कि सेम रहेगा, ये देखो जो तलबगार लोग रहते हैं बीड़ी तंबाकू सिगरेट वाले, उनके लिए भी इंतज़ाम रहता है, यहाँ तो है और भी मिल जाएगा, हर जगह ही मिल जाएगा इसका इंतज़ाम। रोहित भाई है हमारे साथ में घूम रहे आज, तो काउंटिंग बोर्ड देखो अभी भी चालू है लेकिन 0 ही बता रहे, ठीक है। तो ये सब चीज़ थी जो दिखाने की थी, अभी और मस्जिद बची हुई है वो दिखाएंगे, फिर उसके बाद में चलेंगे। बहुत खुश हो रहा, क्या बात है, बकरे लेने आया, बकरे लेने आया, दूध लेने आया, वही मैं बोलने जा रहा था, दूध देंगे कितना है, कैसे रुपए लीटर है, 30 रुपए लीटर मेरे चेले का सिंगल, चैनल का नाम है टेडीज व्लॉग। तो हाँ हाँ डालते हल्का फुल्का, इस एक गेट जो है तो वो इस साइड है, ठीक है। देखो गाड़ी जा रही है, गाड़ी वाड़ी के लिए मतलब यही गेट से अलाउ करते हैं, जो कि बाइक और कार लेके आएगा आप ईद के टाइम पे नहीं आने मिलेगा, ठीक है। मंडी के जो कि मतलब अभी सीजन आ रहा है, सीजन में बाइक कार अलाउड नहीं है, बाहर ही खड़े करना पड़ेगा। जिसको पैसे बचाने हैं देवनार से छिटक के दीवार से, दीवार के पास से मतलब लगा लो, बेस्ट रहेगा। तो एक मस्जिद जो है तो ये सेकंड नंबर पे मस्जिद है, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये मस्जिद आती है जो कि एस ये गेट नंबर 4 पे एंड पे ख़त्म होती है, तो ये भी मस्जिद है। यहाँ पर जो कि वजू का इंतज़ाम किया है और ईद के लिए काफ़ी लंबा स्पेस डालते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके पूरे हिस्से में ईद की नमाज़ होती है और अलग अलग टाइमिंग होता है। फलस्तीन वाले लोग अपने बेघर होके नमाज अदा कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे एसी लगने के बाद भी नमाज अदा कर रहे हैं। वही 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 तो देखो ना क्या है यहाँ पे, एसी लगने के बाद भी नमाज अदा कर रहे हैं, वही तो बात है। तो ये जो है एक मस्जिद ये थी, यहाँ जो है वजू का इंतजाम है, वहाँ पर भी वजू का इंतजाम है, मस्जिद जो है तो अंदर है, ठीक है। ये एस ए क्या बोलते है गेट नंबर 4 के पास से रोड से अटैच है, ठीक है। एक वो हो गई है, एक जो कि ये जगह थी, एक और एक मस्जिद बची है वो भी दिखाते हैं। हाँ मंडी लगती है पूरे मतलब यहाँ पे देखो, ये जो टाकी है इसके वो साइड से ना मतलब इन्हें पूरे ऐसा मतलब पिंजरे जाली बना के वो लोग मतलब करते हैं। हाँ बीमार होते हैं, बीमार होने का रीज़न क्या है, क्योंकि वो वाड़े के अंदर नहीं है, ज़मीन मिलती है पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि बारिश वारिश आती है तो फटाक से मतलब इनको ही बारिश में लगता है। ये लास्ट टाइम पे ये पूरा हिस्सा पानी से भरा हुआ था, याद है ना भाई, लास्ट टाइम पे पूरा हिस्सा पानी से भरा हुआ था। हाँ गाइस ये जो है S4 के गेट नंबर से बाहर निकलने के बाद में राइट साइड में देखो, ये भी एक मस्जिद है। अभी अंदर जो कि दर्श चल रहा है, बयान हो रहा है, ठीक है। तो ये एक मस्जिद थी यहाँ पे, जो कि फर्स्ट नंबर पे ये मस्जिद आती है, फर्स्ट वो सेकंड वो थर्ड जो थी वो कोने में। और बकरों के जो कि चारे की बात करेंगे तो चारे में यहाँ पे मतलब है नहीं, आप लोगों को तुअर भूसा मिल जाएगा, गवार मिल जाएगा, उसके बाद में और भी हरी पत्ती है, हरी पत्ती भी मिल जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल में इतनी चीज़ें और यहाँ पे भैंसों के लिए जो है, ये देखो पागल हो गया। तो फिलहाल में यहाँ पे जो है तो अभी घास है, ठीक है, घास मिल जाती है, चूनी मिल जाती है, और जो चीज़ नई भी मिल पाएगी ना देवना, ये यहाँ से गेट से बाहर निकलने के बाद में ही सामने आप लोगों को दुकान मिल जाएगी, ठीक है। दुकान में से मिल जाता है वहाँ पे जो चीज़, जो हर एक चीज़ मिल जाती है, मकई जौ वही वहाँ पे भी सब चीज़ फीड में जो है मतलब अनाज की जो क्वालिटी है तो वहाँ पे मिलेगी, बाकी हरी पत्ती ये सब चीज़ जो है तो ये यहाँ पे मिल जाएगी। और वाड़ा है, वाड़ा बता दूँ तो ये S1 है, ठीक है, पहाड़ों का S1 है। तो अभी चलते, फिलहाल के लिए इतना ही था, वीडियो एंड करेंगे, गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। रोहित भाई हमारे साथ में थे, रोहित भाई के भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।